साहिब कहिंदे जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम ते जान निस दिन रात दिन झोली अड के अवस्था मंगो ऐदा बुक अड के अवस्था मंगो क्योंकि जे ए अवस्था नहीं होंदी ते ए बोल भी श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज च नहीं होंदी जे अवस्था है ते ताही श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज सानू उस अवस्था तक पहुंचने का इशारा कर रहे ने आखो सतनाम वाहिगुरु कोई दिन वेले तो जपे रात भी रात भी सात संगत कदे ए ट्राई करके वेखना जदों पूरा दिन जिस काम दे विच असीं पूरी ऊर्जा लाया हो पूरी जिस काम विच पूरी ऊर्जा लगी पूरी कॉन्सेंट्रेशन पच्ची फिरदे आ इक्को काम विच कई बारी वो कम साडा सुपन बन जाता है सतनाम सुपन बन पूरा जोर लगा होंदा दे दे वेले ओही काम दे साथ संगत सुपन सानू सुपने तुरदे हर वेले जदों तेरी याद तुरी रहेगी ना जिथे बैठा है गाली वाहिगुरु जी दी जिथे बैठे विचारा ही सतगुरु जी दी आम भीड़ नू तू संगत बना देना जिथे बैठ ओ भीड़ सी ओ कट सी जदों दुनियावी गल चल रही है जदों तुसी उत्थे पहुंचे टॉपिक चेंज करवा के नाम का टॉपिक आ गया भजन का टॉपिक आ गया हरी दे गुण आ गए हरी दे शुकराने चलन लगे कहिंदे ओ इकट्ठ हुण सत संग बन गया आखो सतनाम सत्संग आ साडे अंदर काबिलियत होवे आ गुण होवे सतगुरु जी की कृपा दे नाल सतगुरु जी की बख्शिश दे साहिब कहिंदे ने जो प्राणी निस दिन भजै अगे रूप राम ते परमेश्वर दा रूप समझी ओदे वेच ते उस परमेश्वर च कोई फर्क नहीं कोई फर्क नहीं आ गुरबाणी च इशारा नहीं बाबा कबीर जी ने खुले पत्थर ते कहते कहते अब तो जाए चढ़े सिंघासन मिले है सारंग फिर कहते राम कबीरा एक पय कोए ना सके पछाण कोए ना सके दुनिया दे लोको कर लो हुण पछाण कर लो हुण पछाण राम कौन ते कबीर कौन आखो सतनाम कहते हुण तां इक्को पर ए अवस्था आई कदों अवस्था बनती कदी मैं इतने सत्संग पांच मिनट जरूर रुकांगा इस श्लोक की विचार क्योंकि बाणी विचों ही आपां राह लब्बांगे पहली गल जपण वाला जिन्हों जप रहा उहदा रूप हो जांदा जिन्हों जप रहा जिस परमात्मा नूं जप रहा उहदे गुण उहदे विच आ जांदे ने हर हर जन दोए एक है वाली गल बन जाती दोए एक है वाली गल बन जाती सस हुण बाबा कबीर जी ने यह गल अपनी बाणी दे विच डिकलेयर करती कहिंदे अब तो जाए चढ़े सिंघासन मिले है सारंग पानी राम कबीरा एक पए है पहले दो सीगे पहले दो सी हुण इक हो गए कोए ना सके पछन पर पुछया बाबा कबीर जी नूं कि तुसीं इह किवें प्राप्ति कीती किवें बाबा कबीर जी कहिंदे आ तैनूं भी ढंग दसां कहिंदे तू तू करता
जदों मैं तू तू शुरू कर दिती, जदों मैं इबादत शुरू कर दिती, जदों उहदे गुण गाने शुरू कर दिते, हर वेले मैं राम नू नाल रखदा, राम मैनू नाल रखदा, तो सतनाम सुनियो। कहिंदे हर वेले मैं अपने राम नू नाल रखदा सी, ते एक समा आ गया हुण राम मैनू अपने नाल रखदा, को सतनाम। करमा वालियो मैं सच कहूं, हर वेले तुसी अपने गुरु नू अपने नाल रखो, हर वेले अपने गुरु नू अपने नाल रखो, वो एक समय आएगा गुरु तुहानू अपने नाल रखणगे। आखो सतनाम सच। श्री अकाल। जेड़ा अपने गुरु नू नाल रखेगा, गुरु नू नाल रखण दा मतलब की है, गुरु दे विचारां नू नाल रखण, गुरु दी दित्तियां सोझियां नू नाल रखण, गुरु दे सुभा नू नाल रखण, हर वेले गुरु नू चेते रखण। और जेड़ा गुरु नू अपने नाल रख रहा है, मैं सच कहना जे ओ गुनाह कर ही नहीं सकेगा। खो सतना, ओ गुनाह कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि पता है मेरा गुरु मेरे नाल, वो तो निर्मलो निर्मल कर्म करेगा, वो ऐसे कर्म करेगा कि जिदे ते उदे गुरु दी खुशी होए। आखो सतना, बस सिखा तो गुरु च, फिर एक दिन आएगा गुरु तेरे विच, तेरे विच। हर हर जन दोए एक है वाली गल बन जाएगी, हर जन हर अंतर नहीं नानक सच। कहते ये मन कि हर ते हरी दा जन, हर जन हर अंतर नहीं, फिर अंतर नहीं रह जाएगा। सच में कह रहे हैं, जदों तुसी परमेश्वर नू जपना शुरू करोगे ना, वाहिगुरु जी वाहिगुरु निर्वैर ने, निर्वैर दस ने, अगे भी यह गल सांझी की है, तुसी भी निर्वैर बन जाओगे, वो गुण आने शुरू हो जाते हैं। सतगुरु जी निर्भौ ने, वाहिगुरु जी निर्भौ ने, तुहाडे अंदर निर्भौ वाला गुण आना शुरू हो जाए। वाहिगुरु जी मिठ बोलने ने, हर सज्जन स्वामी मोरा मिठ बोलना जी, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੜਪਣ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਿਖਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜਪ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਿਖਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ।